हेलो फ्रेंड्स, जब भी हम AWS कंसोल में लॉग इन करते हैं तो ये डिफॉल्ट पेज होता है AWS कंसोल का, और वी कैन से दिस इज द डिफॉल्ट पेज फॉर AWS क्लाउड व्हेनेवर वी लॉग इन टू आवर कंसोल। ओके, सो दिस इज अपडेटेड रिसेंटली। अभी अभी कुछ दिनों पहले ही ये अपडेट हुआ है। यहाँ पे डिस्प्ले में बहुत कुछ ऑप्शंस में चेंजेस हुए हैं, और यहाँ पे हम देख सकते हैं ये सर्विसेस है, ऑल सर्विसेस। हम ऑल सर्विसेस यहाँ से भी चेक कर सकते हैं, और अगर हमें मालूम है कि हमें कौन सी सर्विस यूज़ करनी है तो हम यहाँ से भी सर्विस सर्च कर सकते हैं, और उसके रिलेटेड सभी सर्विसेज हमें यहाँ पे सर्च में मिलेगी। ओके, और यहाँ पर ये हमने फेवरेट्स बना के रखे हैं ये सर्विसेज। सो इसको फेवरेट्स बनाने के लिए सर्विसेज में हमें आके सपोज जो भी सर्विस को हमें फेवरेट में ऐड करना है वहाँ पे, जो कि एक्सेस के लिए इजी और जल्दी एक्सेस कर सकेंगे हम। सो जस्ट हमें स्टार पे क्लिक करना है। सो ये सब सर्विसेस हमें यहाँ पे एक देखो दिख रही है अभी यहाँ पे। सो ऐसे सर्विसेज का शॉर्टकट्स हम ऐड कर सकते हैं, और यहाँ पे ये है क्लाउड शेल है ये। सो यहाँ पे भी हम डायरेक्टली क्लाउड का एक्सेस कर सकते हैं, बट अभी हमारा ये इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा। मैं फिर से AWS के डिफॉल्ट पेज पे आता हूँ। सो यहाँ पे नोटिफिकेशंस है, अगर हमारा कोई ओपन इश्यू है तो वो सब हम यहाँ पे उसके स्टेटस चेक कर सकते हैं। ओपन इश्यूज में हम देख सकते हैं मेरा एक ओपन इश्यू है। ओके, और इसके लिए क्लाउड वॉच रिलेटेड AF साउथ वन रीजन का ये इश्यू है, और ये इन प्रोग्रेस है। ओके, सो दिस इज वन इज ओपन इश्यू। उसके बाद आते हैं हम ये ऑप्शन, तो ये है सपोर्ट का ऑप्शन, जहाँ पे हम देख सकते हैं हम सपोर्ट सेंटर को यहाँ से कांटेक्ट कर सकते हैं। हमें कुछ हेल्प चाहिए तो ये एक्सपर्ट हेल्प का ऑप्शन है इसमें, तो हम रिक्वेस्ट डालेंगे कि हमें कोई अगर टास्क करनी है तो कैसे, हमारा जो भी सवाल है हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और नेक्स्ट नेक्स्ट करके जाएंगे। तो ये या तो होगा कि हमें डॉक्यूमेंट्स शो करेगा, या फिर डॉक्यूमेंट में नहीं मिला तो हम डायरेक्टली सपोर्ट से भी हेल्प मांग सकते हैं। नेक्स्ट इज उसके बाद है ये सपोर्ट हो गया। उसके बाद है यहाँ पे हम रीजन सिलेक्ट कर सकते हैं, हमें जिस भी रीजन में हमारा आर्किटेक्चर क्रिएट करना है वो रीजन हम यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि हमें सपोज टोक्यो रीजन में कुछ रिसोर्सेस क्रिएट करने हैं, तो मैंने ये रीजन सिलेक्ट किया। क्या होता है कि बहुत सारे रिसोर्सेस ऐसे हैं जो रीजन वाइज बाइफरकेट किए जाते हैं, मतलब रीजन वाइज क्रिएट कर सकते हैं हम, और कुछ सर्विसेज ऐसी है या रिसोर्सेस ऐसे हैं जो रीजन स्पेसिफिक नहीं है, जैसे कि बिलिंग और S3 बकेट्स और भी कुछ सर्विसेज है, हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियोज में। और यहाँ पे ऑप्शन है ये अकाउंट डिटेल्स, हमें यहाँ पे मिलेंगे अकाउंट आईडी, अकाउंट डिटेल्स और इस ऑप्शन में भी लेंगे हमें। उसके बाद है हमने अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट किए है हमारे अकाउंट के अंदर तो हम वो यहाँ से चेक कर सकते हैं। अगर हमारे सर्विस कोटा जो भी हमने कहीं पे स्पेसिफाई किया है, या फिर हम फ्री वाला अकाउंट यूज़ कर रहे हैं तो कितना यूज़ हुआ है, हम यहाँ से यहाँ से चेक कर सकते हैं। बिलिंग डैशबोर्ड के लिए ऑप्शन है, और सिक्योरिटी क्रेडेंशियल्स के लिए हम यहां से चेक कर सकते हैं। सिक्योरिटी क्रेडेंशियल्स के लिए हम यहां पर यूजर्स क्रिएट कर सकते हैं या यूजर्स के पासवर्ड भी अपडेट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज साइन आउट ऑप्शन। ओके, साइन आउट करने के लिए ऑप्शन है, और हम यहां पे देख रहे हैं कि लेटेस्ट हमने जो भी सर्विसेज यूज की है वो हमें यहां पे दिख रही है, AWS IQ EC2 सिस्टम मैनेजर VPC। एंड यहाँ पे पहले ही पेज पे हमें हाउ टू स्टार्ट सम सर्विसेज और हाउ टू गेट स्टार्टेड विथ AWS क्लाउड
यहाँ से हमें कुछ हेल्प मिल सकती है, डॉक्यूमेंटेशन है, कुछ ट्यूटोरियल्स भी है, और हमें डॉक्यूमेंटेशन यहाँ से भी मिलेगा, कुछ ट्रेनिंग के रिलेटेड वीडियोस भी हमें यहाँ पे मिलेंगे, और हाउ टू स्टार्ट सम रिसोर्स रिसोर्सेस मीन्स कोई भी रिसोर्स हमें कैसे यूज़ कर सकते हैं हम, वो उसके रिलेटेड डॉक्यूमेंटेशन भी हमें और वीडियोस भी हमें इस सेक्शन में मिल सकते हैं। इसके बाद भी और बहुत कुछ है जो हम नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। हम अभी डेमो स्टार्ट करेंगे और इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल।